नमस्ते एवरीवन तो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट फोर वीडियो ऑफ महाभारत की एक सांझ हमने पार्ट थ्री में देखा था कि दुर्योधन दुर्योधन और भीम भीम के बीच में गदा युद्ध होता है भीम दुर्योधन के झांग के था इस पार्ट तो जंगा पे आक्रमण करते हैं उन पे प्रहार करते हैं और और दुर्योधन जमीन पे गिर जाते हार जाते हैं और जब वे भूमि पे गिर जाते हैं तो पांडव जय जयगान करते जैद्ध, मतलब जीत की खुशी मनाते हुए हर्ष खुशी मनाते हुए कैंपिंग शिविर को लौट जाते हैं और फिर आते हैं अश्वत्थामा और अश्वत्थामा जैसे जैसे फिर दुर्योधन अब स्टेज है स्टेज पे शाम हो गई है अंधेरा होने लगा है और स्टेज पे दुर्योधन लेटे हुए हैं और अब आ रहे हैं अश्वत्थामा अश्वत्थामा कुरुराज की यह दशा देखकर बदला लेने का प्रण करके चले गए कि मैं इस बात का बदला लूंगा क्योंकि अश्वत्थामा किसके पक्ष से खेल रहे थे कौरव के पक्ष से उनके पिता कौन थे उनके पिता द्रोणाचार्य थे किसके पक्ष से थे कौरव के पक्ष से तो वे बदला लेने का प्रण करके प्रतिज्ञा करके प्रॉमिस करके वहां से चले गए फिर युधिष्ठिर आए सुयोधन के पास आकर वह झुके और शांत स्वर में बोले तो यहाँ पे प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि किसने किससे कहा ठीक है युद्ध का वर्णन कौन कर रहा था कौन सुन रहा था ये भी सुयोधन किसको कहा जाता है और फिर एक क्वेश्चन आता है अश्वत्थामा कौन है उनका परिचय दीजिए अश्वत्थामा ने दुर्योधन को खुश करने के लिए कौन सा जघन्य पाप कर्म किया तो हम चलिए देखते हैं अश्वत्थामा कौन है आ, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र है। उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त था कहते हैं लोग आज भी हम कहते चिरंजीवी माना जाता है कि वो आज भी जीवित है उन्होंने दुर्योधन के पक्ष में युद्ध किए था युद्ध किया था अश्वत्थामा बहुत क्रोधित थे क्यों क्योंकि पहले तो दुर्योधन उन... जमीन पर लेटा हुआ था वो लोग युद्ध हार गए थे और एक कारण था गुरु द्रोणाचार्य गुरु, गुरु द्रोणाचार्य की मौत हो जाती है और उनकी मौत भी नियमों को मोड़ कर मोड़ मोड़ कर ही की गई थी अभिमन्यु की मृत्यु के बाद कौरव ने तो कभी नियम माने ही नहीं थे युद्ध के पर पांडवों ने भी अभिमन्यु की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद जब गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पितामह और कर्ण उनकी जो वो लोग बड़े बड़े युद्धा थे उनको हराना बहुत मुश्किल था तो उनकी उनकी जो मौत होती है तो वहां भी नियमों को पूरी तरह से पाला नहीं जाता है तो अश्वत्थामा इसी बात से क्रोधित थे उनकी पिता की मृत्यु के कारण और जब वे दुर्योधन को देखते हैं तो वो बहुत गुस्से में रहते और ये प्रण करके निकलते हैं कि मैं जीत के आऊंगा और वे दुर्योधन को ये प्रण करते हैं कि मैं तुम्हें पांडवों के पांचों पांडवों के सर लेके आऊंगा और ये युद्ध हम जीतेंगे तब अश्वत्थामा गुस्से ही गुस्से में रात को शाम हो जाती है युद्ध खत्म हो जाता है शाम को सभी लोग युद्ध खत्म हो जाता है शाम को सभी लोग अपने अपने शिविर में रहते हैं अश्वत्थामा जाते हैं धीरे से और वहां पे वो उन्हें लगता है कि मैं पांचों पांडवों के सर काट दू पर गलती से वे पांडवों के पुत्रों की छल से हत्या करके आ जाते हैं मतलब वो पांडवों के पुत्र रहते हैं जिन्होंने युद्ध में भाग भी नहीं लिया रहता तो वो निर्दोष पांडुओं के बच्चों को अश्वत्थामा उनके पांचों पुत्रों को मार के आ जाते हैं और यही जघन्य पाप उनसे होता है और इस बात का दुख कहीं ना कहीं दुर्योधन को भी रहता है इसके अलावा भी उन्होंने दो तीन लोगों को और जो थे उन्होंने सबको नींद में सोए हुए लोगों पे आक्रमण करके उनका सर काट के आते हैं और वे पांडव नहीं बल्कि पांडव के पुत्र निकलते हैं और यही जघन्य अपराध उनसे हो जाता है हाँ पांडवों के पास सोते हुए बालकों के सिर काट कर वे ले आते हैं और दुर्योधन को देते हैं और फिर दुर्योधन को जब ये पता चला कि पांडव नहीं उनके बच्चों के सिर है इसलिए दुर्योधन को भी काफी दुख होता है और वो तो चले गए अभी शिविर की ओर गुस्से में अब आते हैं युधिष्ठर स्टेज पे है मतलब और युद्ध भूमि में युद्ध भूमि का स्टेज है ना तो वहाँ आते हैं सोए हुए मतलब लेटे हुए हैं युधिष्ठर दुर्योधन दुर्योधन आंखें खोलो भाई दुर्योधन करहाते हुए करहाना मतलब जब दर्द में होते हैं और हम आऊ तो ठीक है कौन युधिष्ठर तुम तुम आए हो, आए हो अब क्यों आए हो क्या चाहते हो तुम राज्य चाहते थे वह मैंने दे दिया तो दुर्योधन बोलते हैं तुमको राज्य चाहिए था वो तो मैंने तुमको दे दिया अब क्या लेने आए हो मेरे पास अब मेरे पास ऐसा कौन सा धन है कौन सी कौन सा पैसा है ऐसा कौन सी जायदाद है जिसके प्रति तुम्हें ईर्ष्या है तुम जैले जाओ जाओ दूर हो जाओ मेरी आंखों से जीवन में तुमने मुझे चैन नहीं लेने दिया दुर्योधन हमेशा युधिष्ठर को सोचता था कि युधिष्ठर के कारण उसकी जिंदगी में कभी भी सुख शांति नहीं मिली तो तुमने तो मुझे कभी चैन नहीं लेने दिया अब शांति से मर तो लेने दो जाओ, चले जाओ। तुमने गलत समझा दुर्योधन मैं कुछ लेने नहीं आया मैं तो देखने आया था कि तो यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि युधिष्ठर क्यों आते हैं तो युधिष्ठर वही युधिष्ठर का हम लोग चरित्र चित्रण लिखेंगे धर्म पे चलने वाले सदाचार नीतियों को मानने वाले और वो देखने दुर्योधन को समझाने उन्हें उनका दर्द थोड़ा कम कर सके इसलिए आए थे दुर्योधन के ओके दु, युधिष्ठिर ने कहा मैं तो देखने आया था कि दुर्योधन कि अंतिम समय में मैं किस तरह निसहाय निर्बल पशु की भांति तड़प तड़प तड़ के दम तोड़ता हूँ मतलब तुम तो यही देखने आए ना कि मैं किस तरह हेल्पलेस निसहाय एक निर्बल जिसमें कोई ताकत ना हो एक जानवर जैसे तड़प तड़प तड़ के दम तोड़ रहा हूं मर रहा हो वैसे मैं मर रहा हूं मेरी मृत्यु का पर्व मनाने आए हो ना मतलब मैं मर गया उसकी खुशी पर्व मतलब त्योहार मनाने आए हो मेरी आहों का आलाप सुनने आए हो आलाप मतलब आवाजें तुम्हें जो करहा रहा हो दर्द की आवाज है वो सुनने आए हो अरे निर्दय जिसमें दया न हो तुम्हें किसने धर्मराज की संज्ञा दी संज्ञा मतलब नाम कौन तुम्हें धर्मराज कहता है धर्मराज मतलब धर्मराज युधिष्ठर युधिष्ठर को जाना ही धर्मराज के नाम से जाता था जो सुख से मरने भी नहीं देता वही धर्म का पीट कैसा अन्याय है तो दुर्योधन कहता है अरे तू तो कहां से धर्मराज है तू तो मुझे शांति से मरने भी नहीं दे रहा है और तू बोल रहा है मैं धर्मराज राजू धर्मराज राजू तू कहाँ का धर्मराज अर्थ का अनर्थ न करो दुर्योधन मैं तुम्हें शांति देने आया था आटी सी इसको एक्सप्लेन करो अर्थ ना का अनर्थ ना करो का मतलब मतलब सीधी बात का गलत मतलब मत निकालो दुर्योधन मैं तो तुम्हें, तुम्हें शांति देने आया था मैंने सोचा हो सकता है तुम्हें पश्चाताप हो रहा हो यदि ऐसा हो तो मैं तुम्हारी व्यथा हल्की कर सकूं इसे सॉरी व्यथा हल्की कर सकूं इसी उद्देश्य से मैं आया था उद्देश्य मतलब मोटिव मतलब यही सोच के मैं आया था कि अगर कहीं तुम्हें कुछ रिग्रेट हो रहा है कहते हैं कि आखिरी समय जब होता है तो इंसान को अपनी करनी अगर उसने कोई बुरे काम किए होते तब उसे उस चीज का मृत्यु के समय पछतावा होता है तो अगर कहीं तुम्हें कुछ रिग्रेट हो रहा हो तो अभी मरते वक्त तुम ज्यादा दुखी ना होके जाओ इसलिए मैं तुम्हारी व्यथा मतलब दुख को हल्का कर सकू इसलिए मैं आया हूं तो तुम इस तरह हर बात का अर्थ का अनर्थ मतलब सही बातों का गलत मतलब ना निकाला करो okay. एक क्वेश्चन इस यहाँ जब आरटी से पूछते तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि दुर्योधन का पक्ष प्रबल होते हुए भी वो क्यों हारा युधिष्ठर को न्यायप्रिय धर्मराज क्यों कहा जाता है तो युधिष्ठर का तो वही है धर्म और न्याय के पद पे चलते थे और और उन्हें जब 12 साल वन और एक साल मिला तो उन्होंने नीति पूर्वक धर्म के अनुसार सारा वनवास काटा और फिर वापस से नीति और तब तक उन्होंने युद्ध भी नहीं किया काटने के बाद उन्होंने पूरी अपनी सजा भुगती उनको जो दी गई थी और उन्होंने लास्ट में यह भी प्रयास किया था कि सिर्फ पांच गांव मिल जाए तो भी वे महाभारत का युद्ध नहीं करेंगे इस तरह वह हमेशा युद्ध टालते रहे इसलिए दुर को न्यायप्रिय और धर्मराज कहा जाता है धर्मराज का इंसिडेंट ये भी है कि अंत में भी जब युद्ध जीत चुके थे तो भी दुर्योधन को उन्होंने एक और मौका दिया अस्त्र दिए शस्त्र दिए और एक एक ही किसी के साथ लड़ाई कर युद्ध जीतने का मौका दिया था और अंत में दुर्योधन का पक्ष प्रबल होते हुए भी वो क्यों हारा तो दुर्योधन के पास पांडवों के पास जो सेना थी उससे कहीं 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 ज्यादा सेना थी उसके पास और उसके पास बहुत शूरवीर लोग थे जैसे सारे गुरु जो उनके गुरु थे द्रोणाचार्य कृपाचार्य अश्वत्थामा कर्ण और भी बहुत से राक्षस जो जरासंध है उनके नाम आएंगे अभी आगे वैसे वो लोग भी आ, उनके साथ थे राक्षस मतलब राक्षस प्रवृत्ति के मतलब बुरे लोग लोग ओके मतलब ऐसे कहीं लोग थे दुर्योधन के पक्ष में तो भी वो अंत में हार गए तो ऐसा क्यों हुआ वे अंत में क्यों हार गए क्योंकि इनके पास अर्जुन के पास पांडवों के पास कृष्ण थी कृष्ण नीति विशारद नीति विशारद मतलब नीति को नीतिपूर्ण तरीके से हल निकालकर युद्ध करने वाले थे और उन्होंने हर वक्त पांडवों को सही राय दी जबकि उनके पास दुर्योधन और कौरवों के पास शकुनी मामा जैसे लोग थे जिन्होंने हमेशा उनकी गलत तारीफ की ईर्षा द्वेष गलत रास्ता ये चाह ये करते हुए वो कभी दूर का सोच ही नहीं पाया और हमेशा विश्व पितामा गुरु द्रोणाचार्य उसे पता था कि वो उनके ही साथ युद्ध करेगा दुर्योधन का पता था क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी राज से राज, आ, राज्य से बंधे हुए थे तो इस बात का वो कभी ना कभी उसे पता था तो उसको ग्रांटेड लेता था वो उनका मजाक भी उड़ाता था और इस तरह की दुर्योधन का आप चरित्र चित्र लिख दीजिए सारा तो इस तरह से श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे और यहाँ ये बुरे लोगों की बात मानते हुए अंत में अधर्म का ही नाश होता है और उसका पराजय हो उसका पराजय हुआ कौरव का ओके okay, चलो दुर्योधन कहते हैं कि हाय रे मिथ्या अभिमानी मिथ्या मतलब झूठा मतलब जो झूठी अभिमान करता है अब भी दया का ढोंग नहीं छोड़ा मतलब तू अभी भी कर रहा है दुर्योधन युधिष्ठर को बोलती तू कितना ढोंग करेगा यार तू अभी भी ढोंग कर रहा है तनिक अपनी और तो देखो तू खुद को देखना पश्चाताप तो तेरे को होना चाहिए तो पश्चाताप तो तुम्हें होना चाहिए मैं क्या पश्चाताप करूं मैंने कौन सा ऐसा पाप कर लिया है मैंने अपने मन के भावों को गुप्त नहीं रखा मतलब मैंने कभी अपने मन में जो भी मेरे भाव थे तो यहाँ दुर्योधन का वो क्या सोचता था मैंने कभी अपने भावों को अपनी फीलिंग्स को कभी भी गुप्त गुप्त मतलब सीक्रेट नहीं रखा मैंने षड्यंत्र नहीं किया षड्यंत्र मतलब साजिशें मैंने कभी नहीं रखी मैंने जो कहा सामने किया मैंने गुरुजनों का वध नहीं किया मैंने कभी अपने गुरु जैसे द्रोणाचार्य कृपाचार्य भीष्म पितामह, मैंने उनका वध नहीं किया ये सब तो तुमने किया है तो तुम्हें पश्चाताप होना चाहिए मुझे क्यों हो तो युधिष्ठर कहते ये तुम क्या कह रहे हो दुर्योधन दुर्योधन किटकिटाकर कर के दुर्योधन नहीं सुयोधन कहो धर्मराज सुयोधन मतलब मेरा नाम सुयोधन है मेरा नाम दुर्योधन नहीं है क्या अब भी तुम्हारी छाती ठंडी नहीं हुई शांति नहीं मिली क्या मुझे मारकर भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ जो मेरी अंतिम घड़ी में मेरे मुंह पर मेरे नाम की खिल्ली उड़ा रहे हो मतलब you are making fun of me. तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो निर्दय क्रूअल इंसान क्या ईर्ष्या में अपनी मानवता भी भस्म कर दी है ईर्षा मतलब जेलसी तुम मुझसे इतने जलते हो कि तुमने अपना जो मानवता है वो भी खत्म कर दी है तो कहा जाता है कि दुर्योधन इस एकांकी में ऐसा बताया गया है कि दुर्योधन का नाम दुर्योधन नहीं था उसका नाम सुर्योधन था परंतु उसके दुष्कर्मों के कारण उसका नाम दुर्योधन पड़ गया मतलब लोग उसे फिर दुर्योधन के नाम से उसको जानते थे और दुर्योधन ये मानता था वो क्या मानता था वो आगे बताएंगे युधिष्ठर क्षमा करो भाई अब तो मैं और अधिक कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता युधिष्ठर क्षमा करो मतलब वो बोलते गलत क्षमा करो मुझे मैं तुम्हे दुख नहीं देना चाहता था मेरे बोलने से अगर तुम्हें तकलीफ हुई तो मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता पर मेरे कहने न कहने से क्या होगा आने वाली पीढ़िया मतलब कमिंग जनरेशन तो तुम्हें दुर्योधन के नाम से ही संबोधित करेगी तुम्हें वही कहकर के के बुलाएगी क्योंकि तुम्हारे कृत्यो कृत्य मतलब योर का साक्षी इतिहास पुकार पुकार के तो उसे बोल रहा था अरे मेरे कहने से क्या होगा मुझे क्षमा करो अगर मैं तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ पर लोग तो तुम्हें दुर्योधन ही कहेंगे क्योंकि तुमने कर्म ही ऐसे किए हैं तुम्हारे काम तुम्हारे एक्शन ही ऐसे है कि इतिहास आने वाला समय तो तुम्हें वो कहेगा तो दुर्योधन बीच में ही बात काट के कहता है मुझे दुर्योधन कहेगा ना यही ना जानता हूँ युधिष्ठर जानता हूँ मैं मुझे मारकर भी तुम चुप नहीं बैठोगे दुर्योधन का मानना है कि वो युधिष्ठर उससे इतना जलता है इतनी ईर्ष्या करता है कि मेरे को खत्म कर दिया मुझे मार डाला मेरा राज्य ले लिया मेरा सब कुछ छीन लिया फिर भी वे चुप नहीं बैठेंगे तुम विजेता हो अपने गुरुजनों और सगे संगियों के शोणित की गंगा में नहाकर तुमने राजमुकुट धारण किया है वॉट इज शोणित शोणित मतलब रक्त तो तुम्हें जो विजय मिली है तुम्हें जो जीत मिली है उसमें तुम्हारे गुरु तुम्हारे सगे संबंधी लोग थे जिनको मारकर तुमने ये राज्य पाया है उनके खून में तुम्हारा राजमुकुट क्राउन वो डूबा हुआ है तुम अपनी देखरेख में मतलब तुम अपनी अपनी देख रहे में अपने कंट्रोल में इतिहास में तुम ये लिखवाओगे और उसका पूरा पारा पूरा पूरा लाभ उठाने में क्यों चुकोगे और तुम ये लाभ भी तुम्हें आज सब तुम ही जीते हो तुम जो चाहे वो लिखवाओ अब तो तुम ही ये लिखवा दोगे जो हिस्टोरियन है इतिहासकार उनको बोल के कि भाई उसका नाम सुयोधन था ही नहीं उसका तो नाम ही दुर्योधन था तो तुम मेरा नाम बदलवा दोगे सुयोधन को सदा के लिए दुर्योधन बनाकर छोड़ोगे करहा कर मतलब दर्द से आ उसकी देह को नहीं उसका नाम तक मिटा दोगे देह मतलब बॉडी मेरे शरीर को ही नहीं मेरे नाम को भी तो तुम मिटाई देने वाले हो यह मैं अच्छी तरह जानता हूं रुककर मेरे मन पर तुम जो चाहे करना मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने नहीं आऊंगा पर इस समय जब तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु मर रहा है उसे इतना न्याय तो दो कि उसका मिथ्या अपमान ना करो तो अभी भी दुर्योधन यही समझ रहा है कि तुम ही मेरे शत्रु हो मैं तुम्हारा शत्रु तुमने मुझे मार दिया है पर कम से कम अभी तो कम से कम इतना जस्टिस कर दो कि मेरा इंसल्ट मत करो मुझे बार बार दुर्योधन मत बुलाओ तुम मेरे को इंसल्ट मत करो वो भी मिथ्या मतलब झूठा आरोप मत लगाओ मैंने कुछ नहीं किया ये जो किया है सब तुम्हारे कारण हुआ है युधिष्ठर ने सदा न्याय ही किया है सुयोधन युधिष्ठर बोल रहे हैं कि मैंने तो सब, सदा गल, सही किया है न्याय के लिए वह बड़े बड़े दुख उठाने से भी नहीं चुका सगे संबंधियों के तड़प तड़प कर प्राण त्यागने का यह भीषण दृश्य तो ने कौन कौन से जो अपमान हुआ उसको सहन किया उसने अभी इस युद्ध में महाभारत के युग में उसके गुरु उसके सगे उसके संबंधी जो जो उस राज्य से जुड़े हुए थे क्योंकि वो सभी लोग वो सभी लोग जो जो उनको उनके सामने उनको लड़ाई करनी पड़ी उसका भी वो दृश्य उसने देखा इतने सारे सैनिक उनके अबला अबला मतलब उनकी जो वाइफ रहती है अबला मतलब महिला है तो उन अनाथ वो जो करुण चित्कार जो दर्द भरी पुकार थी वो भी किसी के भी हृदय को दहलाने के लिए पर्याप्त है पर वो मैंने सब सुना मैंने सब झेला इतने लोगों का नरसंहार किया मुझे कितनों को मारना पड़ा मैं सहार के इस दृश्य को भी शांत भाव से सह गया परंतु ये सब भी मेरे लिए स... बहुत मुश्किल था सहना परंतु मैंने शांत भाव से रह के मैंने ये सब सहा क्यों सिर्फ और सिर्फ एक कारण वे हमेशा न्याय के पथ पे नीति पूर्ण न्याय रूल्स नीति मीन हम लोग रूल्स रेगुलेशन ही बोलते हैं तो न्याय के पथ पर जो मिले सब स्वीकार है ये दंभ है एरोगेंस युधिष्टर यह मिथ्या अहंकार है मतलब झूठा इगो है तुम्हारा मैं तुम्हारी यह आत्म प्रशंसा नहीं सुन सकता सेल्फ एप्रिशिएट तुम जो खुद को बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो इसे तुम अपने भक्तों के लिए ही रहने दो तुम विजय की डिंग मार सकते हो मतलब तुम अपने विक्ट्री के बारे में बहुत सारी बातें कर सकते हो पर न्याय धर्म की दुहाई मत दो मतलब तुम बोलो अपनी जीत के बारे में बोलो पर न्याय के साथ तुम हमेशा चले हो ये तुम कभी मत कहो स्वार्थ को न्याय का रूप देकर धर्मराज की उपाधि धारण करने में तुम्हें संतोष मिलता है तो मिले मेरे लिए वह है मैं उससे घृणा करता हूँ स्वार्थ, स्वार्थ मतलब था तुमको हस्तिनापुर चाहिए था तुमको सब कुछ चाहिए था तुम मुझे खुश नहीं देख सकते थे तो वो अपने स्वार्थ को तुम बोलो कि मैंने तो धर्म के लिए ये किया है तो इससे तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलता है बट मुझे नहीं और मैं इस बात से घृणा करता हूं युधिष्टर स्वार्थ दुर्योधन स्वार्थ मतलब तुम मुझे सेल्फिश बोल रहे हो और नहीं तो क्या जिस राज्य पर तुम्हारा रत्ती भर भी अधिकार नहीं था उसी को पाने के लिए तुमने युद्ध ठाना मतलब दुर्योधन बोल रहा है कि जो हस्तिनापुर का राज्य था उस पर तो तुम्हारा थोड़ा सा भी अधिकार नहीं था यू हैव एनी राइट और फिर भी तुमने उसको पाने के लिए इतना बड़ा महाभारत किया यह स्वार्थ का तांडव नृत्य नहीं तो और क्या है तो ये सेल्फिशनेस ही है भला किस न्याय से तुम अधिकार की मांग करते हो मतलब तुम्हें कैसे लगता है कि तुम्हें राज्य हस्तिनापुर का राज्य तुम्हें मिलना चाहिए ये तुम्हें क्यों लगता है युधिष्ठम मन को टटोल कर देखो मतलब अपने आप को झांक कर देखो टटोलना मतलब सोचो कुछ खुद के बारे में क्या यह तुम्हारे कथन का समर्थक है मतलब वह तुम्हारे मतलब तुम जो बोल रहे हो कि मैं सेल्फिश था मैंने खुद के लिए मुझे राज्य चाहिए था और इसलिए इतना बड़ा युद्ध मेरे कारण हुआ क्या ये सही में तुम्हारा मन भी क्या सच में ऐसा ही सोचता है क्या तुम जानते नहीं कि पिता के राज्य पर पुत्र का अधिकार सर्वसम्मत है सर्वसम्मत मतलब सब सम्मति क्योंकि सिर्फ राजा ही जैसे खाली ही जो धित था तो सिर्फ राजा ही नहीं राजा के जो मंत्री रहते हैं उनका भी मत उनका ओपिनियन मैटर करता है जो राज्य के लोग रहते हैं उनका भी ओपिनियन मैटर करता है तो सभी का यही मानना था कि पिता उनके पिता युधिष्ठर के पिता पांडु तो उन वो राजा थे तो पिता के राज्य पर पुत्र का अधिकार है फिर महाराज पांडु का राज्य मेरा हुआ या नहीं तो दुर्योधन बस बस ना तुम्हारे पास तो बस ये एक ही तर्क है ना मतलब यू हैव ओनली दिस आर्ग्यूमेंट कि मेरे पिता राजा थे तो मैं भी राजा बनूं पर युदिष्टर क्या तुमने कभी ये सोचा कि जिस राज्य पर तुम अधिकार चाहते थे वह तुम्हारे पिता के पास कैसे आया कैसे आया मतलब क्योंकि बड़ा कौन था बड़ा तो धृतराष्ट्र था तो पांडु के पास वो राज्य क्यों आया क्या जन्माधिकार से क्या बर्थ राइट से आया नहीं नहीं तुम्हारे पिता को राज्य की देखभाल का कार्य केवल इसलिए मिला क्योंकि मेरे पिता अंधे थे मेरा पिता धृतराष्ट्र वो अंधा था इसलिए पांडु राजा बना और पांडु के मरने पे तुम बड़े थे इसलिए लोग बोले कि तुम्हें बनना चाहिए पर अगर धृतराष्ट्र अंधा नहीं होता तो धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र मैं था तो मैं राजा बनता तो वही बात दुर्योधन यही बात दुर्योधन के दिमाग में बैठ चुकी थी कि मेरे पिता अंधे थे इसका मतलब ये नहीं कि मैं राजा ना बन सकूं तो राज्य संचालन में तुम उन्हें असुविधा होती राज्य संचालन मतलब स्टेट को रन करने में राज्य को चलाने में उन्हें मुश्किलें हो रही थी इसलिए उस समय पांडु को राजा बनाया गया था अन्यथा उस पर तुम्हारे पिता का कोई अधिकार न था वो तो मेरे पिता का अधिकार था यह तो ठीक है पर युदिष्ठर कहते एक बार चाहे किसी भी कारण से हो जब मेरे पिता को राज्य मिल गया तब उनके पश्चात उस पर मेरा अधिकार हुआ या नहीं क्या राजनीम यह नहीं कह सकते तो बाय लॉ मतलब लॉ लॉ रूल्स रेगुलेशन तो लॉ तो यही कहते हैं कि पिता के बाद पुत्र को मिलता है और एक बात ये भी है इट्स नॉट इवन यहाँ पे हम दुर्योधन का ही पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं बट जब राजा का उस समय राजा का जिसका पिता उसका ही बड़ा पुत्र राजगद्दी पर बैठता था और दुर्योधन इस केस में महाभारत में यह भी बात थी कि दुर्योधन को बचपन से ही जिस तरह उसकी बहुत योद्धा था परंतु जो भीष्म पितामह और बाकी जो आचार्य लोग थे उन्हें पता था कि प्रजा जो एक राजा जो नीति से चलता हो और जो युद्धा योद्धा भी हो और शांत मन का हो और जो अत्याचारी ना हो वही राजगद्दी पे बैठ सकता है उसी में हस्तिनापुर की प्रजा का भला हो इन नीड टू राइट बट तो दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन बट यहाँ राजनियम के हिसाब से जिसका पिता राजा है उसका पुत्र भी राजा हो उस हिसाब से युधिष्ठर कहता है कि मुझे राजगद्दी मिलनी चाहिए थी ओके okay, सो so, और इसके बाद का हम लोग वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो एंड आई होप यू आर आप लोग को पसंद आ रहा है एंड कीप रीडिंग बाय